हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पर बात करने के लिए आ चुका हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप उससे पूछ सकते हैं। जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो दरअसल शीप, भेड़, एक जानवर आप जानते हैं, शीप की डोमेस्टिकेशन को लेकर के है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अभी तक माना जाता था कि भेड़ें जो है वो यहां पर मौजूद नहीं थी। विश्व के दूसरे इलाकों से भेड़ें जो है वो यहां पर पहुंची थी। यहां पर डोमेस्टिकेशन जो है वो शीप्स का इनिशियली नहीं होता था, लेकिन हाल ही में एक प्रूफ जो है वो मिला है, जेनेटिक प्रूफ मिला है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में भेड़ों को पालना जो है वो जाता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता जिसको कहते हैं, उस समय से ही भेड़ों की मौजूदगी के प्रमाण, जेनेटिक प्रूफ जो है वो यहां पर मिले हैं। तो विस्तार से इस पूरे के पूरे आर्टिकल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, यूपीएससी सीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो शानदार स्मार्ट कोर्सेज आपके लिए स्टडी आईक्यू पर अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी एग्जाम प्रेपरेशन में। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करना है और अपनी प्रेपरेशन को हमारे साथ बेहतर बनाना है। तो आर्टिकल कहता है, रिसर्चर्स एट द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, केरल के केंद्रीय विश्वविद्यालय में शोधकर्ताओं ने ये पाया है that domestication of sheep had taken place in Indian subcontinent, especially in Indus Valley civilization regions in 6th or 7th BC. तो छठी या सातवें ईसा पूर्व में, 6th या 7th सेंचुरी BC में शीप, भेड़ जो है वो हिंदुस्तान के अंदर और भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर जो है वो पाई जाती थी। ये शीप जो है, ये भेड़ जो है, इसके होने के प्रमाण जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के इलाकों में, जहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहर जो है वो बसे हुए थे, वहां पर कुछ प्रमाण जो है वो इसके मिले हैं। द स्टडी कंडक्टेड बाय द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला फाउंड जेनेटिक एविडेंस दैट शीप हैज बीन डोमेस्टिकेटेड इन द रीजन, इन कॉन्ट्रास्ट टू द जनरल बिलीव दैट दे वर डोमेस्टिकेटेड इन वेस्ट एशिया अलोन एंड दे अराइव्ड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट थ्रू माइग्रेशन। केरल यूनिवर्सिटी के इस अध्ययन में, इस शोध ने इस बात की पुष्टि करी है और एक बिलीफ, एक धारणा के विपरीत जो है वो चीजें बताई हैं। वो धारणा क्या थी, वो बिलीफ क्या था? वो धारणा कहती थी कि जो शीप है, जो भेड़े हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पश्चिम एशिया में ही जो है वो पाली जाती थी। इनका डोमेस्टिकेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट एशिया में होता था। तो इस धारणा को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया गया है और ऐसा माना जाता था कि ये वेस्ट एशिया में डोमेस्टिकेशन इनका होता था, तो इनको हिंदुस्तान में माइग्रेशन के थ्रू लाया गया था। लेकिन अब ये अध्ययन, ये स्टडी जो है, उसने इन सारी के सारी बातों को खारिज कर दिया। भारत के अंदर अगर हम भेड़ों की बात करें तो इंडिया रैंक सेकंड इन टर्म्स ऑफ शीप पॉपुलेशन, रिप्रेजेंटेड बाय एज मेनी एज 44 वेल डिस्क्राइब्ड ब्रीड्स इन एडिशन टू सेवरल नॉन डिस्क्रिप्ट स्पीशीज। भारत में भेड़ों की आबादी की अगर हम बात करें तो दुनिया में दूसरे स्थान पर आता है भारत, जहां पे सबसे ज्यादा मात्रा में भेड़ों की आबादी जो है वो मौजूद है। जिससे अगर हम देखें इन भेड़ों की प्रजातियों को, तो केवल 44 वर्णित प्रजातियां हैं, डिस्क्राइब्ड ब्रीड्स हैं। इसके अलावा बहुत सारी नॉन डिस्क्राइब्ड या नॉन डिस्क्रिप्ट स्पीशीज भी हैं जिनके बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन 44 डिस्क्राइब्ड ब्रीड्स जो है वो भेड़ों की हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है। व्हेन डीएनए सीक्वेंसेस वर कंपेयर्ड विद अदर ब्रीड्स अक्रॉस द वर्ल्ड, इट वॉज फाउंड दैट इंडियन शीप हैप्लोटाइप्स वर यूनिक एंड हाईली डाइवर्स। डीएनए सीक्वेंसिंग, आप जानते हैं, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए सीक्वेंसेस जो है वो मौजूद होते हैं, ATGCs। इनके अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के फीचर्स जो है वो बनते हैं। उनकी स्किन कलर कैसा होगा, बॉडी साइज कैसा होगा, ये सारी की सारी चीजें जो है वो डीएनए सीक्वेंसेस से बनती है। अलग अलग प्रकार के डीएनए सीक्वेंसेस से जो है वो फिजिकल और बॉडीली चेंजेस जो है वो आते हैं। और इंडिया के अंदर जो शीप पाई गई है या उनके एविडेंसेस पाए गए हैं, उनके हैप्लोटाइप्स जो हैं, उनके डीएनए सीक्वेंसेस जो हैं, वो बिल्कुल यूनिक हैं। किसी भी और भेड़ की प्रजाति में वो डीएनए सीक्वेंसेस जो है वो नहीं पाए गए हैं। द हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड स्टेटिस्टिकल एनालिसिस सजेस्टेड दैट शीप वॉज डोमेस्टिकेटेड इन द कंट्री। अगर ये शीप
दूसरे इलाकों में पाई जाने वाली भेड़ की तरह होती, या बाकी जैसे वेस्ट एशिया से जो शीप लाई गई थी, अगर ये वो वाली शीप होती तो इसका जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन होते हैं, जो डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं, ये वेस्ट एशिया की शीप के साथ में जो है वो मेल खाती होती। लेकिन यहां पर हमने देखा कि डीएनए सीक्वेंसेस जो है वो बिल्कुल अलग थे। जब अलग है तो इस बात का प्रमाण मिलता है कि ये एक अलग ब्रीड ऑफ शीप है जो कि हिंदुस्तान के अंदर मौजूद थी। तो ये जो है ये एक जेनेटिक प्रूफ के रूप में काम कर रहा है कि कैसे शीप जो है वो हिंदुस्तान के अंदर डोमेस्टिकेट की जाती थी। द हैप्लोटाइप डाइवर्सिटी ऑब्जर्व्ड वाज रिलेटिवली हाई इन इंडियन शीप व्हिच वाज क्लासिफाइड इनटू थ्री नोन मेजर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए लिनेजेस, नेमली ए, बी एंड सी। हैप्लोटाइप विविधता की अगर हम बात करें तो हैप्लोटाइप विविधता में दरअसल होता क्या है, यहां पर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है उसमें कुछ बदलाव देखे जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में कुछ चेंजेस आते हैं जिस वजह से ये अलग अलग हैप्लोटाइप डाइवर्सिटी जो है वो देखने को मिलती है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए लीनेज जो है वो तीन प्रकार की थी। आसान भाषा में समझे तो डीएनए सीक्वेंसिंग जो है वो तीन अलग अलग टाइप्स की थी। ए, बी और सी लीनेज के अंदर शीप्स को जो है वो क्लासिफाई किया जाता था। इट वॉज फाउंड दैट लीनेज ए वॉज प्री डोमिनेंट अमंग इंडियन शीप, वेयर एज बी एंड सी वर ऑब्जर्व एट लो फ्रीक्वेंसीज। अगर हम भारत के अंदर मौजूद भेड़ों की नस्लों को देखें तो यहां पर जो लीनेज ए है वो सबसे ज्यादा मात्रा में जो है वो पाई जाती थी, और बी और सी जो है वो कम फ्रीक्वेंसी में यहां देखने को मिलते थे। जो अगर पर्टिकुलरली बात करें लीनेज सी की, तो ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ एंड ईस्टर्न रीजन में, पूर्व और उत्तर के इलाके में, पूर्वी भारत के इलाके में जो है ये लीनेज सी जो है वो पाई जाती थी। सबसे ज्यादा ए लीनेज की शीप जो है वो इंडिया के अंदर पाई जाती हैं। ये लीनेज क्या है, दरअसल ये डीएनए सीक्वेंसिंग के कारण अलग अलग वेराइटीज ऑफ शीप जो है इनको यहां पर माना जाता है। द स्टडी एग्जामिन्ड द साउथ इंडियन ब्रीड्स प्रोवाइडेड स्ट्रॉन्ग जेनेटिक एविडेंस दैट इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज वन ऑफ द डोमेस्टिकेशन सेंटर्स ऑफ द लीनेज ए शीप। जब अध्ययन किया गया तो दक्षिण भारत के अंदर मौजूद जो भेड़े हैं उनकी नस्ल की जांच में ये बात सामने आई कि ये लीनेज ए से बिलोंग करती हैं और बाकी सारी ब्रीड ऑफ शीप से ये अलग हैं। कहीं भी किसी भी और जगह पे ये ब्रीड जो है, ये लीनेज ए जो है वो नहीं पाई जाती। इससे ये चीज क्लियर हुई कि नहीं, ये इस पर्टिकुलर रीजन में मौजूद है। इसका मतलब है कि ये मूल रूप से यहीं की डोमेस्टिकेशन है, यहीं पर इनको जो है वो पाला गया था। बाहर से माइग्रेट होकर के अगर ये यहां पर पहुंचती, वेस्ट एशिया से या किसी अन्य इलाके से अगर ये शीप हिंदुस्तान में पहुंची होती, तो इनकी जो डीएनए सीक्वेंसिंग है, जो लीनेज है, वो बाहर के इलाकों की शीप से जो है वो मेल खाती। तो यहां पर भेड़ों के बारे में, क्योंकि आपने देखा होगा यूपीएससी के अंदर बहुत बार इस तरीके के सवाल जो है वो आते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन कौन से जानवरों की मौजूदगी जो है वो दर्ज की गई है। तो इस रीसेंट स्टडी ने ये साबित कर दिया है कि डोमेस्टिकेशन ऑफ शीप जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से भारत में जो है वो हो रही है। क्योंकि हम सिंधु घाटी की सभ्यता की बात कर रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो एक नजर हम डालेंगे डोमेस्टिक एनिमल्स, उन सभी पालतू जीवों पर जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी के समय में लोगों द्वारा जिनको पाला जाता था। तो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इंक्लूड डॉग्स, कैट्स, हम्ड एंड शॉर्ट हॉर्न कैटल, डोमेस्टिक फाउल, पिग्स, कैमल्स एंड बफेलोस। तो अलग अलग इलाकों में या तो कलाकृतियां, या तो पेंटिंग्स, या फिर सील्स के अंदर इन जानवरों की इमेजेस जो है वो पाई गई हैं। तो ये क्लियर कट एविडेंस है, हम उसी चीज की तस्वीर बना सकते हैं जिससे हम परिचित हो, जिसको हमने देखा हो। क्योंकि इंदुस घाटी के अंदर हमको अलग अलग जगहों पे सील्स के ऊपर बहुत सारे अलग अलग साइट्स पर हमको इन जानवरों की मौजूदगी का एहसास जो है वो हुआ है। क्योंकि पेंटिंग्स में, डिजाइन्स में इनकी शेप्स जो है वो बनाई जाती हैं, वो उसी केस में पॉसिबल था अगर वो सभी लोग जिन्होंने वो पेंटिंग्स आदि हैं वो निशान बनाए थे, उन्होंने इन जानवरों को देखा। इसके अलावा द एशियन एलिफेंट प्रोबेबली वॉज ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड एंड इट्स आइवरी टस्क वर फ्रीली यूज्ड। तो एशियाई हाथी को भी शायद पालतू जानवर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, और उसके जो हाथी दांत हैं उनको भी काफी ज्यादा उपयोग में जो है वो लाया जाता था। तो ये कुछ एनिमल्स जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में इनका प्रेजेंस जो है वो देखा गया है। अब शीप जो है उसकी भी मौजूदगी इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला की स्टडी में जो है उसकी पुष्टि हो जाती है। तो दोस्तों ये है पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल जो बात करता था इंडस वैली सिविलाइजेशन और
एंशियंट इंडिया में शीप डोमेस्टिकेशन को लेकर के। आई होप हमको विस्तार से ये आर्टिकल जो है वो समझ में आया होगा। यूपीएससी सीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज आपके लिए स्टडी आईक्यू पर अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में, तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करना है और अपनी प्रिपरेशन को हमारे साथ स्टडी आईक्यू के साथ बेहतर बनाना। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।